बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट प्रोफेशनल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के हलफबरदारी की तकरीब मुकामी होटल में हुई। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मुबशिर लुकमान तकरीब के माने खसूसी थे। दौरान तकरीब मौजूद मेहमान मुबशिर लुकमान ने एसोसिएशन के अहदेदारान से हलफ लिया। इस मौके पर प्रोग्राम खरा सच के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नवीद शेख भी मौजूद थे और सियालकोट आमद पर सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मुबशिर लुकमान का शानदार खैर मुकदम किया गया। दीगर नुमाइंदगान और एसोसिएशन के नुमाइंदों की जानिब से मुबशिर लुकमान को फूलों के गुलदस्ते दिए गए, हार पहनाए गए। तकरीब हलफबरदारी से खिताब करते हुए मुबशिर लुकमान का कहना था कि सियालकोट प्रोफेशनल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के हलफ उठाने वाले तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद। मुबशिर लुकमान का कहना था कि सियालकोट प्रेस क्लब बंद पड़ा है, ताले लगे हुए हैं, सारे यहाँ सहाफ़ी बैठे हैं। आज भी हम यहाँ एक होटल में हैं। क्या आप लोग सियालकोट की नुमाइंदगी करेंगे? क्या लोगों को हक दिलवाएंगे? अपना हक नहीं ले सकते? सच सुनने बोलने की आपस में जुरत नहीं है? एक बार से प्रेस क्लब नहीं खुला, एक होकर बैठें और अपने मसले हल करें। सहाफी इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते?